सभी सरकारी कर्मचारियों, शिक्षक बंधुओं को राम राम। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार का स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाना चाहते हैं, जो एक उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी योजना है, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप उसकी संबंधित वेबसाइट पर जाकर के और आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए ये निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास पहले से सुनिश्चित होने चाहिए, जिसको आप जुटा लें, उपलब्ध कर लें। जैसे कि मोबाइल नंबर, सबसे पहला वो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक्ड हो। इमेज, आवेदनकर्ता अर्थात कर्मचारी की फोटो, आपकी फोटो 20 KB में, और वो भी JPG फॉर्म में। DDO कोड जो आपके लेखा कार्यालय से उपलब्ध होगा, संबंधित जनपद के लेखा कार्यालय से जहां आप कार्यरत हैं। फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो आपको आपकी सर्विस बुक से मिल जाएगी। मानव संपदा पोर्टल पर जाकर के सर्विस बुक डाउनलोड करके और उसमें आप रिटायरमेंट नंबर खोज लेंगे। पे बैंड और पे लेबल, ये आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। इतने दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद आप वेबसाइट पर जाकर के और वेबसाइट ओपन करेंगे। उसके बाद से आपको खुलेगा, ऊपर इंटरफेस में लिखा रहेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना SACHIS, और स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन शुरू होगा। उसके लिए आपको वो आधार से लिंक मोबाइल नंबर भरना होगा, फिर कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा को भरेंगे, फिर नीचे ये लिखा है जो जनरेट OTP, इसको जनरेट OTP करेंगे। उसके बाद से कुछ ऐसे खुल के आएगा, मोबाइल नंबर रहेगा उसमें, और आपको OTP पहले से फिलअप रहेगा, मोबाइल नंबर आपको OTP डालना होगा। उसके बाद से बाय क्लिकिंग सबमिट यू एग्री टू आवर टर्म्स डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी, और फिर उसके बाद से इसको एग्री करने के बाद सबमिट बटन दबाना होगा। इसके बाद एक छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी, आवश्यक सूचना, कृपया पूरा फॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा में भरें, अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में भरा गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा, स्वीकार कर दिया जाएगा। और फिर दूसरा, तारांकित द्वारा चिन्हित फील्ड अनिवार्य है, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पता आधार के अनुसार होना चाहिए। और फिर तीसरा होगा, कृपया 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे बैंड का चयन करें, ये महत्वपूर्ण सूचना थी। फिर आपका ऐसा आवेदन खुल के आ जाएगा जिसमें एम्प्लॉयर, कर्मचारी, पेंशनर आपको सेलेक्ट करना होगा। डिपार्टमेंट का नाम, जैसे शिक्षक बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं मिर्जापुर से हूं तो मिर्जापुर। फिर अगला कॉलम है DDO कोड। DDO कोड अपने जनपद के ऑफिस, जो आपका संबंधित ऑफिस के उसके लेखा कार्यालय से आप पता कर लेंगे। सबका DDO कोड अलग अलग है, जैसे हमारा मिर्जापुर बेसिक एजुकेशन का लेखा कार्यालय का DDO कोड 4354 है। उसके बाद से अगला पॉइंट है पदनाम। पदनाम में हम असिस्टेंट टीचर लिखेंगे। पे बैंड एंड लेबल, पे बैंड जैसे हमारा 9300 से 34000 है और लेबल हमारा छठा है, वो 7th पे कमीशन के अनुसार। ऑफिस नाम में हम अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, एप्लीकेंट नेम में अपना खुद का नाम और डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि एक निश्चित फॉर्मेट में, डेट मंथ ईयर में, और रिटायरमेंट डेट वो हम मानव संपदा पोर्टल पे जाकर के अपना देख लेंगे रिटायरमेंट डेट। फिर जेंडर, मेल फीमेल, और एप्लीकेंट के पिता का नाम, हम अपने पिता या पति का नाम, महिला की स्थिति में पति का नाम लिखेंगे। फिर मोबाइल नंबर पहले से उसमें होगा। ईमेल आईडी अपने अंकित करेंगे, जो हमारी वैध ईमेल आईडी हो। फिर आधार नंबर, फिर जनपद आधार के अनुसार और पता आधार के अनुसार, इतने कालम अवश्य भरेंगे। उसके उपरांत जो हम अपने गैलरी में 20 KB का मैक्सिमम साइज वाला फोटो पासपोर्ट साइज JPG फॉर्म में सेव किए रहेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद से ये महत्वपूर्ण जो स्वीकारनामा होगा, सहमति पत्र होगा, उसको एग्री करना होगा, और उपरोक्त से सहमत है तो दोनों बार टिक करके, और जब फाइनल बटन दबानी होगी, सेव एंड नेक्स्ट दबाना होगा।
तो उससे पहले अपने सारे दस्तावेज फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें सुधार की संभावना नहीं है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो सुधार का मौका दे आपको। तदुपरांत आप आगे की प्रक्रिया के लिए अर्ह रहेंगे, उसमें आपको अपना डिपेंडेंट जोड़ना होगा, तब फाइनल सबमिशन होगा। धन्यवाद।